यह समस्त ब्रह्मांड पंच तत्व से निर्मित है। हमारा देह भी पंच तत्व का संघात है। शरीर की पांच उंगलियां इन पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगुष्ठ अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का तथा कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच तत्व की समस्थिति से देह निरोग रहता है तथा विषम स्थिति से रोग पैदा हो जाते हैं। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इन्हीं पांच तत्वों के समन्वय से शरीर की आंतरिक ग्रंथियों, अव्ययों तथा उनकी क्रियाओं को नियमित किया जाता है तथा शरीर की सुसुप्त शक्तियों को जागृत किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका योगांश योगा फिटनेस में दोबारा से स्वागत है। आज हम तत्वों को नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं के बारे में जानेंगे। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। ये मुद्राएं किसी भी तरह से चलते फिरते, उठते बैठते या खड़े खड़े भी कर सकते हैं। वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन में बैठ के करना अधिक लाभप्रद है। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 10 मिनट से आरंभ करके 30 से 45 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में ना कर सकें तो 2-3 बार में भी कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम ना हो उन्हें कृपया सीधी ही रखें, उन्हें मोड़े नहीं। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, इसे दोनों नामों से जाना जाता है। इसे करने के लिए अंगुष्ठ एवं तर्जनी उंगली के अग्र भागों को परस्पर मिलाकर शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। आइए अब हम जानते हैं इसके लाभ। धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा नकारात्मक विचार कम होते हैं। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसके निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी एवं ओजस्वी बनते हैं। मस्तिष्क की स्नायु मजबूत होती हैं, सिर दर्द, अनिद्रा एवं तनाव दूर होता है, क्रोध का नाश होता है। अधिक अच्छे परिणाम के लिए यह मुद्रा करने के बाद प्राण मुद्रा भी करें। अब चलते हैं दूसरी मुद्रा की ओर, वायु मुद्रा। इसे करने के लिए तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगाकर अंगूठे को हल्का दबाकर रखने से यह वायु मुद्रा बनती है। शेष तीन उंगलियां सीधी रखनी चाहिए। आइए अब हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। इसके अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु संबंधी विकार, गठिया, संधिवात, अर्थराइटिस, पक्षाघात, कंपवात, साइटिका, घुटने के दर्द तथा गैस बनना, ये समस्त आदि रोग दूर होते हैं। गर्दन एवं रीढ़ के दर्द भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। रक्त संचरण के दोष दूर होते हैं। अब हम अगले मुद्रा की ओर चलेंगे, शून्य मुद्रा। मध्यमा अंगुली आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसको अंगुष्ठ के मूल में लगाकर अंगूठे से हल्का दबाकर रखते हैं। शेष उंगलियां सीधी होनी चाहिए। आइए अब हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। इस मुद्रा से कान का बहना, कान में दर्द, बहरापन तथा कम सुनाई देना, ये सभी आदि रोग दूर होते हैं। दीर्घ काल तक कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा करने से दूर हो जाते हैं। अस्थियों की कमजोरी तथा हृदय रोग ठीक होते हैं। मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग भी इससे ठीक होते हैं। इसमें सावधानी रखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि इसको भोजन करते समय या चलते फिरते समय ये मुद्रा ना करें, बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगली मुद्रा की ओर, पृथ्वी मुद्रा। इसे करने के लिए अनामिका और अंगुष्ठ के अग्र भागों को मिलाकर रखने तथा शेष तीन उंगलियों को सीधा करने से यह पृथ्वी मुद्रा बनती है। अब हम जानते हैं इसके लाभ। इसके निरंतर अभ्यास से शारीरिक दुर्बलता, भार की अल्पता तथा मोटापा आदि रोग से दूर होते हैं। यह मुद्रा पाचन शक्ति ठीक करती है, जीवन शक्ति, सात्विक गुणों का विकास करती है तथा विटामिनों की कमी को दूर करती है। इससे शरीर में स्फूर्ति, कांति, तेजस्विता आती है। चलिए हम बात करते हैं अगले मुद्रा की, प्राण मुद्रा। यह मुद्रा कनिष्ठा, अनामिका तथा अंगुष्ठ के अग्र भागों को परस्पर मिलाने से बनती है।
शेष दो उंगलियां सीधी रहनी चाहिए। आइए अब हम इसके लाभ जानते हैं। इस मुद्रा से प्राण की सुप्त शक्ति का जागरण होता है तथा शरीर में स्फूर्ति, आरोग्य एवं ऊर्जा का विकास होता है। यह मुद्रा आँखों के दोषों को दूर करके नेत्र ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी दूर करती है तथा थकान दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करने से लाभ होता है। चलिए आइए हम अगली मुद्रा की ओर चलते हैं, अपान मुद्रा। अंगुष्ठ मध्यमा एवं अनामिका के अग्र भागों को स्पर्श करके शेष दो उंगलियों को सीधा रखने से यह मुद्रा बनती है। आइए हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकालते हैं तथा शरीर निर्मल बनता है। इसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रा विरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के विकार आदि ये सब दूर हो जाते हैं। पेट के लिए उपयोगी मुद्रा है। हृदय रोग में लाभ होता है। आइए चलते हैं हम दूसरी मुद्रा की ओर, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा करने के लिए अपान मुद्रा तथा वायु मुद्रा को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। कनिष्ठा उंगली सीधी होती है। आइए अब हम जानते हैं इसके लाभ। हृदय एवं वात रोगों को दूर कर शरीर में आरोग्य को बढ़ाती है। जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसका निकास करती है। सिर दर्द, दमा एवं उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। सीढ़ियों पर चढ़ने से 5-7 मिनट पहले यह मुद्रा कर लीजिए। इससे आपको सीढ़ियां चढ़ने में आराम मिलेगा। आइए हम अगली मुद्रा की ओर चलते हैं, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं। आइए हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। इस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है एवं मोटापा कम होता है और शरीर में उष्णता की वृद्धि होकर पाचन में मदद मिलती है। तनाव में कमी, शक्ति का विकास, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मधुमेह, यकृत यानी कि लीवर के दोष, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। पर इसमें सावधानी की ज़रूरत है। इसमें सावधानी ये रखना है आपको, इस मुद्रा को दुर्बल व्यक्ति जो कमज़ोर हैं वो बिल्कुल भी ना करें, और जिनको गर्मी ज़्यादा लगती हो या गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी सताती है उन लोगों को ये न करनी चाहिए। आइए हम चलते हैं अगले मुद्रा की ओर, वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा करने के लिए कनिष्ठा उंगली को अंगूठे से लगाकर रखें, बाकी समस्त उंगलियां सीधी रहेंगी। आइए हम जानते हैं इसके लाभ। इस मुद्रा से शरीर का रूखापन नष्ट होता है तथा चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनती है। चर्म रोग, रक्त विकार, मुहासे एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करने के लिए यह मुद्रा की जाती है। चेहरा इससे बहुत ही अत्यंत सुंदर बनता है। सावधानी बस इसमें यह रखनी है कि यदि कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं वो इस मुद्रा को बिल्कुल भी ना करें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों और भाई बंधुओं को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।